हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, अचानक बढ़ाई गई पीएम की 3 रैलियां। पीएम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटी कांग्रेस, पीएम मोदी के सामने कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मैदान में उतारा। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। झारखंड में जल्द हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज रांची आएगी चुनाव आयोग की टीम, सुदीप जैन, संदीप सक्सेना समेत 5 अधिकारी करेंगे समीक्षा। आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हुआ जारी, आज राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। राम मंदिर मामले पर मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, आज चर्चा कर सकती है संविधान पीठ। फूलवालों की सैर कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों में आधे दिन के अवकाश की घोषणा, इनमें DDA, MCD और दिल्ली सरकार के सभी सरकारी विभाग शामिल, दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगे ऑफिस। हरिद्वार लक्सर के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के चलते दून से संचालित कई ट्रेनों का संचालन बंद होने से यात्री परेशान, आज से 3 और ट्रेनें रहेंगी रद्द। संसद का शीत सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकता है शुरू, सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में तारीखों पर हुई चर्चा, फिलहाल नहीं हुई है आधिकारिक घोषणा। पाकिस्तान पर कड़ी नजर रखेगा भारत, पंजाब सेक्टर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम किए जाएंगे तैनात, पाकिस्तान की सीमा पार से हथियार भेजने की नापाक हरकत पर लगाई जाएगी लगाम। फिर धमधोती हुई राजधानी दिल्ली की हवा, पहली बार इस सीजन में वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 300 के पार, आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण स्तर में और बढ़ोतरी की जाएगी दर्ज। लंदन में नीरव मोदी के मामले में आज होगी सुनवाई, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी नीरव मोदी की पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेगी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ CBI और ED की टीम। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक अहम विधेयक किया पारित, अब सीनेट में जाएगा विधेयक, बौखलाए चीन ने जताया एतराज। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को लेकर किया बड़ा दावा, मंगल और चांद पर कृत्रिम रूप से उगाए जा सकेंगे पालक, टमाटर और मूली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का किया समर्थन, कनाडा के लोगों से की ट्रूडो को फिर से सत्ता मिलाने की अपील। इराकी सेना ने सीरिया जा रहे IS आतंकवादियों को पकड़ा, युद्ध लड़ने के लिए इराक में घुसपैठ करने की फिराक में थे आतंकी, इराक के रक्षा मंत्री ने दी जानकारी। अब फ्यूल की डिमांड पर भी दिखने लगा ऑटो सेक्टर में मंदी का असर, सितंबर 2019 में घटकर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंची फ्यूल की डिमांड। भारतीय स्टेट बैंक ने दिवाली से पहले अपने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना कार्ड और पिन के कर सकेंगे POS पर भुगतान। अमेरिका से सर्च इंजन दिग्गज गूगल ने की बड़ी घोषणा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग गेम सर्विस स्टेडिया का फाउंडर्स एडिशन 19 नवंबर को किया जाएगा लॉन्च। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज सपाट स्तर पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 31 अंकों की बढ़त के बाद 38,630 के स्तर पर खुला, वहीं निफ्टी ने 13 अंकों की गिरावट के बाद 11,450 के स्तर पर की कारोबार की शुरुआत। डॉलर के मुकाबले आज 71.38 रुपए के स्तर पर खुला रुपया, वहीं पिछले कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 71.43 रुपए के स्तर पर हुआ था बंद।